हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं मुझे यूट्यूब पर आना है। तो यूट्यूब पर आना तो सब कोई सोच लेता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको चैनल क्रिएट करनी पड़ती है और सही तरीके से। क्या होता है कि अगर आप चैनल ही सही तरीके से क्रिएट नहीं करोगे तो आपकी वीडियो कहाँ से वायरल हो जाएगी, कहाँ से लोग उसको देखेंगे और कहाँ से आप पैसे कमाओगे, नाम कमाओगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि आप अपनी चैनल कैसे क्रिएट करें, मतलब शुरू से लेके एंड तक स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं चैनल की सेटिंग्स भी आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से कीवर्ड डालने हैं, जहाँ से आपकी चैनल सर्च पे जाए। आपकी जो चैनल होती है शुरुआती में सर्च पर नहीं आती है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपकी चैनल सर्च पर कैसे आए, ये भी आपको बताऊँगा। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखना। ओके, तो मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने YouTube खोल लिया एंड कॉर्नर पे आपका जो लोगो दिखेगा आपकी जीमेल का, उस पर आपको क्लिक कर देना। ओके, अगर आपके पास पहले से ही चैनल है तो यहाँ पे डायरेक्ट रिवर चैनल पे जाके आपकी चैनल बन जाएगी। नहीं तो मैं शुरू से बताने वाला हूँ, मतलब जिन लोगों के पास जीमेल ही नहीं है या फिर मेरे को न्यू चैनल बनानी है, क्योंकि न्यू चैनल क्या होती है, न्यू चैनल की रीच ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूँ तो आप न्यू चैनल ही बनाएं जब आपको कोई कंटेंट मिल जाए, आपको यूट्यूबर बनना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है मैनेज अकाउंट पे, इस टाइप का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से एरो पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आ जाएगा ऐड अनदर अकाउंट या मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस। ठीक है, तो ऐड अनदर अकाउंट आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको जीमेल क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट जीमेल पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे फॉर माई सेल्फ कर दूंगा और यहाँ से आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाल देना है। जिस नाम से आपको अपनी चैनल बनानी है वही नाम अगर आप यहाँ पे डालोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना ही नाम डाल लेता हूँ, मेरा नाम डाल चुका है। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूँ। यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई भी डाल सकते। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर कुछ जीमेल क्रिएट करने के लिए आ जाएगी कि आपको क्या जीमेल रखनी है, तो आप जीमेल उसी को रखें जो आपको याद रहे। मेरी जीमेल मैंने रख ली, इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बना लेना, पासवर्ड कम से कम 8 अंकों का होता है। ठीक है, तो इसमें आप अच्छा पासवर्ड बनाए, स्ट्रांग पासवर्ड बनाए। पासवर्ड बनाने के बाद इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा एंड आपकी यहाँ पे जीमेल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जीमेल बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री कर दूंगा, तो क्या आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वापस जाना है अगेन उसी लोगो वाले ऑप्शन पे, उसके बाद आपको फिर से उस वाली चैनल को आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हो वो वाली जीमेल के साथ मेरी यहाँ पे चैनल आ चुकी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर ही क्लिक करूँगा एंड फिर से जाऊँगा योर चैनल पे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे नेम आया एंड सबसे पहले आपको बताऊँ तो पिक्चर आया, तो आपको पिक्चर वाले पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे आपको उसी पिक्चर को डाल लेना जो आपके प्रोफाइल फ़ोटो, मतलब यूट्यूब का लोगो। तो मैंने एक इस टाइप की फ़ोटो को डाल दिया, आप अपनी फ़ोटो डालना। ओके, इसके बाद इसके नीचे आता है नेम, मतलब ठीक है, तो ये आपकी चैनल का नेम है। यहाँ पर आप जो चेंज करोगे वही होगा। तो यहाँ पर मैं जैसे सूर्यन सोनी के बाद शॉर्ट डाल दूंगा, जैसे मेरी शॉर्ट चैनल है। ओके, इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया। इसके बाद आएगा हैंडल, हैंडल आपके नाम के अनुसार ही होता है। जैसे मैंने ऊपर डाला है सूर्यन सोनी शॉर्ट, तो हैंडल ऑटोमेटिक चेंज हो गया। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते होगे तो वहाँ पर एक यूज़र नेम होता है, तो उसी टाइप का ये भी यूज़र नेम है। जब आप किसी की वीडियो में कमेंट करते हो तो हैंडल ही आपका आता है। ठीक है, तो मैं इसको बना रहने दूंगा एंड इसको सेव करने के बाद यहाँ पर क्रिएट चैनल कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चैनल मेरी बन चुकी है। अब मैं जाऊँगा वापस उसी लोगो वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे योर चैनल, तो कुछ इस तरीके से मेरी चैनल देख रही है। बट यहाँ पे मैं अपनी चैनल ही दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी चैनल कुछ इस तरीके से दिखती है, पीछे बैनर भी है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको जाना है वापस अपनी योर चैनल पर। ओके, उसके बाद आपको पेंसिल पर जाना है, यहाँ पर आपको बैनर पर कैमरा दिख जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखो चूज़ फोटो फ्रॉम फोटो, तो आप अपनी फ़ोटो वैसे किसी भी फ़ोटो को यहाँ पे बैनर के लिए ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक फ़ोटो को ले लिया एंड आप देख सकते हो कि अब मेरी चैनल यहाँ पे लगभग बन चुकी है। इसके बाद आप देख सकते हो कि मेरी चैनल की ये लिंक आ चुकी है कि www.सूर्यांश, यहाँ पे आ चुका है सूर्यन सोनी शॉर्ट, इस तरीके से मेरी चैनल की लिंक आ चुकी है। इसके बाद मैं आपको अब अपनी चैनल की सेटिंग्स बताऊँगा, ठीक है, आपको किस तरीके से अपनी चैनल की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको अपना खोलना है मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र खुल चुका है। इसके बाद आपको सर्च टैब पे यहाँ पे सर्च कर देना है YouTube स्टूडियो, ठीक है, ध्यान रखना आपको YouTube स्टूडियो सर्च कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई नई चैनल बनाते हो तो आपकी चैनल सर्च पे नहीं आती, ठीक है, जिसके वजह से आपकी वीडियो भी सर्च पर नहीं आएगी जब आपकी चैनल सर्च पर नहीं आती। सर्च होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है, तो आपको यहाँ पर टैप कर देना है।
इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे लिखा है गेट द ऐप, क्योंकि इसका प्ले स्टोर में ऐप भी होता है, बट सेटिंग्स वगैरह आपको क्रोम में ही मिलेगी। कंटिन्यू टू स्टूडियो आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा क्योंकि ये न्यू चैनल है, तो यहाँ पे एक बार कंटिन्यू करने के लिए आ गया। उसके बाद आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बारी बारी से कुछ इसमें मैं आपको स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप को आपको अपने चैनल पे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे चैनल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फीचर्स इस पे आपको क्लिक कर देना है एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड फीचर्स इनेबल है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जो वो ऑफ है। तो जैसे ही आप अपने चैनल का दूसरा ऑप्शन इनेबल करोगे तो यहाँ पे कुछ फीचर्स है जो ऑन हो जाते हैं। जैसे क्या है कि आप 15 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हो कम से कम। यहाँ पे कस्टम थंबनेल आप लगा सकते हो अपने वीडियो पे। इसके बाद लाइव स्ट्रीम आप चैनल पे कर सकते हो, ठीक है। तो और कंटेंट आईडी वगैरह आपको मिल जाएगी, एक आईडी होती है वो आपको आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ कि थंबनेल क्या होता है। जैसे आप कोई भी वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पर देखते हो गए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड पुनीत और ट्रिगर इंसान का, और फिर आप इसको देखते वीडियो को प्ले करते हो, तो यही होता है थंबनेल। आप जब दूसरा ऑप्शन इनेबल कर लोगे तो आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। इसके इनेबल करने के लिए आपको जस्ट इनेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना बगल पे एरो, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई फोन नंबर, जस्ट आपको इसको फोन नंबर से वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर पे आप क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा। एंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा टेस्ट द वेरीफिकेशन कोड। आप अपना वेरीफिकेशन कोड टेस्ट के द्वारा लेना चाहते हैं या फिर कौन, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन ही क्लिक किए रहूँगा। एंड दूसरे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया, तो इंडिया ही रहना है। और यहाँ पे व्हाट्स योर फोन नंबर, तो आपको फोन नंबर यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे आपको 6 नंबर का कोड उस नंबर पे जाएगा, तो आपको उस 6 अंकों का कोड डाल दे। तो यहाँ पे 6 अंकों का मैंने कोड डाल दिया है, यहाँ पे मैं सबमिट कर दूँ और आप देख सकते हो कि फोन नंबर मेरा वेरीफाई हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि फोन नंबर मेरा वेरीफाई हो चुका है, इसको मैं जस्ट क्लोज कर दूंगा। और अब आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैं फिर से उसी ऑप्शन पे चला जाता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे आपको चैनल पे गया था। इसके बाद आपको फीचर्स एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हो कि दूसरा ऑप्शन है मेरे इनेबल आ चुका। इसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपको इनेबल करना हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन के लिए मैं आपको बता दूँ कि क्या किस तरीके से आपका ऑप्शन इनेबल होगा। आप देख सकते हो कि वीडियो वेरीफिकेशन से आप अपना यहाँ पे अपने मतलब फेस दिखा के इस चैनल को आप वेरीफाई कर सकते हो। इसके बाद आप वैलिड आईडी मतलब आधार कार्ड वगैरह लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बाद में इसको कर लूँगा, आप कर सकते हो तुरंत, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ और सेटिंग्स आपको देखा बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है चैनल पे, सेटिंग्स पे। इसके बाद आपको चैनल पे चला जाना है। चैनल पे आपको यहाँ पे कंट्री है, जो कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो, अगर आप किसी और कंट्री पर रहते हो, तो आप उस कंट्री को यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आपको क्या है कि ये आपकी चैनल का कीवर्ड है। जैसे अगर आपकी चैनल टैग कैटेगरी की, जो आप टैग कैटेगरी की यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हो। जैसे लाइक मेरी यहाँ पे कीवर्ड आप डाल पा रहे हैं, यहाँ पे मैं डाल दूंगा यूट्यूब एंड फॉर भी आप डाल सकते हो। जैसे आप गेमिंग कैटेगरी के पबजी गेम खेलते हो, तो यहाँ पे पबजी गेमिंग ब्लॉगिंग करते हो, तो ब्लॉगिंग की आप कीवर्ड डाल सकते हो, ठीक। कीवर्ड डालने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। तो मेरी चैनल पूरी बन चुकी है। तो बस आपको आप क्या करना है, अपनी चैनल पर ओनली वीडियो अपलोड करनी है और थंबनेल बनाना है और वीडियो को अपलोड कर देना है। वीडियो अपलोड कैसे करनी है वो आपको बता देता हूँ। पहले इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो अपलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना और आपकी यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएंगी। सो आप अपलोड कर सकते। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो जल्दी से एक चैनल जरूर अपने लिए बनाए, क्योंकि अब क्या है कि ऑनलाइन सब कोई पैसा कमा रहा है। तो एक चैनल पे चैनल बनाए, अपनी खूबी लोगों को दिखाएं और अपनी फैन फॉलोइंग ऑनलाइन कमाएं। तो मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।